तो दोस्तों, आप में से कई लोगों के मन में विचार आ रहे होंगे कि जो IPL है उसमें जो टीम्स है वो अपने प्लेयर्स के पीछे इतने पैसे खर्च करती हैं, अपने प्रमोशन में इतने पैसे खर्च करती हैं, फिर भी वो कैसे कमा लेती है, प्रॉफिट कैसे कमा लेती है। दोस्तों, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, IPL जो है वो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट लीग है। हालांकि IPL जो है वो वर्ल्ड की थर्ड सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव लीग है दोस्तों। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, IPL 2019 जो खेली गई थी उसका जो वैल्यूएशन निकल के आया था दोस्तों, वो था लगभग 7 बिलियन, मतलब लगभग 50,000 करोड़ जितना वैल्यूएशन निकल के आया था दोस्तों IPL 2019 का दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि जो फ्रेंचाइजीज है, जो टीम्स है दोस्तों, वो IPL से कैसे पैसे कमा लेती है। एक तरह से एक IPL का बिजनेस मॉडल मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोशल कर्म के और एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और मैं ऐसे यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूं, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे मेन फैक्टर्स बताने वाला हूं जिससे जो है वो IPL की टीम्स आएगी, IPL की फ्रेंचाइजीज जो है वो पैसे कमाती है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है दोस्तों। और मैंने आपको जो थंबनेल में जो प्राइजेस बताई थी, 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ दोस्तों, वो थी एक वैल्यूएशन एक टीम की। मतलब कोई भी बाहर की कंपनी अगर टीम को खरीदना चाहती है तो उस कंपनी को उतने पे करने पड़ेंगे टीम को खरीदने के लिए दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं मेन फैक्टर्स की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फैक्टर निकल के सामने आता है वो है मीडिया राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। तो हम और आप जो टीवी में देखते हैं IPL, जिस कंपनी के थ्रू हम देखते हैं, पहले हम देखते थे सोनी मैक्स से, अब देखते हैं स्टार स्पोर्ट्स से दोस्तों। तो ये जो कंपनी है वो एक्चुअली BCCI को पैसे देती है टीवी में दिखाने के लिए, फिर जो BCCI है वो कंपनी को पैसे देती है, फ्रेंचाइज को, टीम को पैसे देती है दोस्तों। इसका मतलब जो है ज़्यादा प्रोपोर्शन BCCI के पास जाता है और थोड़ा प्रोपोर्शन BCCI टीम्स को भी देती है दोस्तों। तो 2019 के एक रिपोर्ट के द्वारा हमें पता चला था दोस्तों कि जो BCCI है उन्होंने हर एक टीम को 250 करोड़ दिए थे मीडिया राइट्स के द्वारा दोस्तों। मतलब आप जीतो हारो, आपने प्लेऑफ में पार्ट लिया नहीं लिया, आपको 250 करोड़ तो मिलेंगे ही दोस्तों मीडिया राइट्स के थ्रू। दोस्तों, इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो मीडिया राइट्स है वो कितने अहम है IPL रेवेन्यू में। IPL का जो रेवेन्यू है 50-60% जो है वो मीडिया राइट्स से ही आता है दोस्तों, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से ही आता है दोस्तों। दोस्तों, अब दूसरा फैक्टर निकल के आता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। दोस्तों, आपने IPL की टीम्स की टी शर्ट्स पे देखा ही होगा, बहुत सारी ब्रांड्स होती है, लगभग टी शर्ट की हर जगह पे कोई ना कोई छोटी बड़ी ब्रांड्स का नाम आपने देखा ही होगा दोस्तों। तो मीडिया राइट्स में जो थे वो BCCI को ज़्यादा पैसे मिलते थे दोस्तों, पर ये जो ब्रांड स्पॉन्सरशिप है इसमें टीम को जो है वो ज़्यादा पैसे मिलते हैं दोस्तों। मतलब टीम जो है सबसे ज़्यादा इसमें से कमाती है। अलग अलग ब्रांड्स आते हैं दोस्तों, जो टीम की टी शर्ट होती है उस पर अपना लोगो लगाने के लिए, अपना साइन लगाने के लिए दोस्तों। एक तरह से एक एडवर्टाइजिंग है, एक तरह से एक मार्केटिंग कही जा सकती है दोस्तों। फेमस प्लेयर्स की जो टी शर्ट होते हैं उनके ऊपर उनकी ब्रांडिंग हो जाती है दोस्तों, और उनको रेवेन्यू भी मिल जाता है दोस्तों। तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप जो है वो 20-30% IPL के रेवेन्यू में भाग लेती है। इससे जो है टीम्स को जो है सबसे ज्यादा फायदा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, 2019 की एक रिपोर्ट द्वारा पता चला है 2019 में ब्रांड स्पॉन्सरशिप के द्वारा IPL की जो टीम्स हैं उन्होंने लगभग 50-60 करोड़ कमाए थे। मतलब हर एक टीम ने लगभग 50-60 करोड़ कमाए थे। हर टीम के लिए अलग होता है, बड़ी टीम होगी तो दोस्तों उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जैसे कि मुंबई इंडियंस है, चेन्नई सुपर किंग्स है, पर लगभग सब टीम जो है वो 50-60 करोड़ कमाई लेती है ब्रांड स्पॉन्सरशिप के। तो दोस्तों, तीसरा फैक्टर है टिकट सेल्स। ये फैक्टर जानने से पहले, आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं टिकट सेल्स की तरफ। दोस्तों, हम जो है वो क्रिकेट देखते हैं, जब स्टेडियम में जाके हम जो टिकट खरीदते हैं दोस्तों, उसका जो रेवेन्यू है वो टीम के पास ही जाता है। मतलब अगर आज मुंबई में मैच है, अगर वानखेड़े स्टेडियम में मान लो मैच है दोस्तों, तो वो जो रेवेन्यू है वो मुंबई इंडियंस को जाएगा। मतलब जो भी स्टेडियम, जिस भी टीम का होम ग्राउंड है, वहां की जो रेवेन्यू है वो टीम्स को ही जाता है दोस्तों। मतलब आज जो है मुंबई में वानखेड़े में 70,000 पब्लिक आई दोस्तों, और एक टिकट का प्राइस हम ले लेते हैं 1,000 रुपीज दोस्तों, तो मुंबई इंडियंस को मिलेंगे आज 7 करोड़ रुपीज दोस्तों। मतलब इसमें से कुछ पार्ट जो है वो स्टेडियम को जाता है दोस्तों, पर जो मेजर पार्ट जो है वो टीम रेवेन्यू में ही ऐड होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब चौथा जो फैक्टर है वो है प्राइस मनी। जब भी कोई टीम IPL को जीतती है, या तो सेकंड रन अप आती है या फर्स्ट रन अप आती है दोस्तों, तो उसको कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलता है, वो भी वो टीम के रेवेन्यू में ही गिना जाता है दोस्तों। मतलब इस साल जो है 2020 में IPL का जो प्राइस मनी रखा गया है वो है 10 करोड़ रुपीज दोस्तों, पर 2019 में जो था वो 20 करोड़ था दोस्तों। पर जो 2015 में सबसे ज़्यादा प्राइस मनी रखी गई थी, लगभग 40 करोड़ रुपीज जो थे वो प्राइस मनी रखी गई थी दोस्तों 2015 में दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, जो
प्राइज मनी जो आती है उसमें से जो है कुछ पार्ट जो है वो ओनर को जाता है, जिसकी वो टीम है दोस्तों उसको जाता है, फिर जो है वो टीम्स के प्लेयर को जाता है। मतलब 50% या 60% पार्ट जो है वो ओनर ले लेते हैं, बाकी जो 50-60% बचता है वो प्लेयर्स में बांट दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों फिफ्थ फैक्टर है मर्चेंडाइज। दोस्तों जो टीम्स होती है वो अपने मर्चेंडाइज बनवाती है, अपने टी शर्ट, अपने अलग अलग और भी काफी चीजें बनाती है दोस्तों, जिसको वो बेच के थोड़ा रेवेन्यू कमाती है दोस्तों। जब हम स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं तब भी वहाँ पे मर्चेंडाइज अवेलेबल होते हैं दोस्तों, और काफी कैंपेन्स द्वारा भी ये टीम्स जो है वो मर्चेंडाइज बेचती होती है दोस्तों। तो टीम्स का जो रेवेन्यू है उसमें से 5-10% जो है दोस्तों वो मर्चेंडाइज से ही आता है दोस्तों। मतलब टीम्स जो है वो अलग अलग कैंपेन्स द्वारा दोस्तों मर्चेंडाइज को बेचती है, उसमें से भी जो रेवेन्यू आता है वो अपने खुद के पास ही रखती है दोस्तों, उसमें जो है किसी का हिस्सा नहीं होता दोस्तों। तो अब दोस्तों सिक्स फैक्टर है बीसीसीआई सेंट्रल पूल एंड ब्रांड स्टॉल। सो बीसीसीआई सेंट्रल पूल के बारे में मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई जो है वो अपने खुद से टीम्स को कुछ ना कुछ पैसे देती है दोस्तों, हर साल 10-20 करोड़ ऐसे खुद से पैसे देती है दोस्तों, जिसका वो रेवेन्यू है वो टीम में ऐड होता है और उसको सेंट्रल पूल कहा जाता है दोस्तों। और ब्रांड स्टॉल के बारे में मैं आपको बता दूं, आपने कई बार मैच में देखा होगा जो टीम्स हैं उनके पास जो ड्रिंक्स रहते हैं, जो ऐसे ब्रांड स्टॉल्स रहते हैं स्टेडियम में दोस्तों, ब्रूटी ले लो, कैडबरी ले लो, ऐसे जो ब्रांड्स होते हैं वो टीम के बाहर लगे में जो स्टॉल्स लगाते हैं दोस्तों पब्लिक के लिए, वो भी ब्रांड स्टॉल का ही हिस्सा होते हैं। इसका जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई को थोड़ा जाता है और थोड़ा टीम रेवेन्यू में भी जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको पता चले कि जो आईपीएल में है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जो टीम से वो पैसे कैसे कमाती है दोस्तों। तो साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिख दीजिए आई सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं दोस्तों। तो ये था दोस्तों विद ट्रेंड सीरीज का एक एपिसोड, जिसमें मैं आपको बताता हूँ ट्रेंडिंग में चल रही चीजें जो आपको जानना जरूरी है दोस्तों। तो मिलते हैं सोशल कर्म के और एक अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।